ये जो हम HTML के अंदर HTML फाइल है उसके अंदर हम डिफरेंट टैग यूज़ करते हैं, उन्हीं में से एक टैग है डिफ टैग। उस डिफ टैग के अंदर यानी आप उसे क्लास दे सकते हैं आगे अपनी तो से डोमेन क्लास दें उसको, फिर CSS के अंदर जाके उसको उसी क्लास को नोट करके आगे आप उसको यानी स्टाइल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो आप देख सकते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और ये मैं यूज़ कर रहा हूँ फिगर स्टूडियो कोड एडिटर। ज़्यादातर मैं इसी पे करता हूँ वर्क। डिस्क्रिप्शन आपको अगर आपको ये अच्छा लगा है तो डिस्क्रिप्शन आपको लिंक दे दूँगा उसी वीडियो का, उस पर आपको मेरा सारी इंस्टॉलेशन डाउनलोडिंग कंप्लीट वीडियो बनाई हुई उसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूँगा, वीडियो को देख कर उसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तभी मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, नया फोल्डर बना लेंगे क्लास CSS, ये हमारा फोल्डर हो गया जो मर्जी नाम दे सकते हैं। फिर हम एक नाम दे देंगे HTML फाइल। एक बात आपने याद रखनी है कि जो भी आप उसको नाम आपको मर्जी दे सकते हैं, लेकिन ना उसके लास्ट में अपने .htm या .html जरूर लिखना है। देखिए पीछे इसका लोगो आ गया है HTML टैग्स के वीडियो स्टूडियो कोड में। HTML हमने गलत किया तो देखिए हम नोट पैड वाला नहीं आ गए सिंपली, बस यही देखें। ये हमारी आ गई फाइल, एक और फाइल हम लेंगे उसको नाम दे देंगे स्टाइल CSS, स्टाइल तो करना है उसको। आप इस CSS फाइल को जो मर्जी नाम दे सकते हैं, लेकिन इंडेक्स ये जो HTML फाइल है उसको मैंने इंडेक्स इसलिए दिया क्योंकि मोस्टली ब्राउजर जो होते हैं यानी वो इंडेक्स और HTML को रेफर करते हैं यानी अपना मेन होम पेज। तो इसके बाद हम इसके अंदर अपना HTML टैग मिस्टेक हो चल गया, ये हम CSS में करना शुरू हो गया सॉरी HTML टैग। उसके बाद हैड टैग के अंदर टाइटल टैग, उसके नीचे बॉडी टैग के अंदर हम लेते हैं एक मिनट चल डिव टैग। रील नजर आया आपको कि क्या कह रहे हैं डिव टैग। आप देखें ये डिव टैग हमने ले लिया, अब हम उसको देंगे एक क्लास। आप इस अपने टाइटल दे सकते हैं, इस जो मेरे टाइटल दें वो आपके टॉप पे आपको मिलेगा, हम उतनी दे रहे हैं। डिव क्लास को हम देते हैं क्लास सिंपल, जो मुझे नाम दे सकते हैं आपको। अगर बताओ कि तरीका किस तरह करना है आपने ये क्लास को कैसे स्टाइल देना है, यानी आप जो मर्जी आप नाम दे के ना CSS में आप कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं। अब इस क्लास के अंदर हम लिख देते हैं एक हेडिंग वन, आप जो मर्जी लिख सकते हैं इसके अंदर हेलो। उसके बाद एक पैराग्राफ टैग I am Fahad, ये मेरा नाम है। ये हमने छोटा सा पैराग्राफ ले लिया, देख सकते हैं आप। अभी CSS में जाएंगे, सबसे पहले मेन जो बॉडी को रेफर करने के लिए ये मार्जिन हमने देना जरूरी होता है, क्योंकि इसके बाद अगर हम नहीं देंगे ना तो अपनी मर्जी से जो होता है ब्राउज़र वो अपनी मर्जी को दे देते हैं मार्जिन और पैडिंग वगैरह। ये पैडिंग 0% सेव किया, ब्राउज़र में जाएंगे यानी अपनी जहाँ पे अपने उसको डायरेक्टरी सॉरी इसमें नहीं वो सिस्टम होता सब्लाइम टेक्स्ट में होता है कि आप इसको इजीली राइट क्लिक करें और ओपनिंग ब्राउज़र कर सकते हैं सिंपली, आप इसको देख सकते हैं। कभी भी काफ़ी अच्छा कोड एडिटर है पर मैं उसको उतना यूज़ नहीं कर, मैं उसको काफ़ी इतना यूज़ नहीं करता, मुझे ये ज़्यादा पसंद है। तो मैं डिस्क्रिप्शन आपको लिंक दे दूँगा उसकी इंस्टॉलेशन वीडियो का भी, वहाँ से जाकर आप इसको भी इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखें ये हमारी डायरेक्टरी है, इसके अंदर बीबी मम ने नाम दिया क्लास और CSS को ओपन करेंगे, देख सकते हैं। ये देखा भी हमारा पीछे एक मिनट, हाँ ये देख सकते हैं आप हमारा ये देखें लिखा गया आई एम फादर वेब डेवलपर। अभी इसके नीचे हमें जो देना है डॉट क्लास दिए और ये आगे आपको बताऊँगा कि आपको पता चल जाए कि ये सीरियसली होता है बैकग्राउंड, सिर्फ सिंपली आप मैं करके दिखा लूँ कि कैसे वर्क करता है। ये देखिए आपने ये हमारा एंड क्लास, बस आपने सिंपली उसके पीछे डॉट लिख देना। अगर आप सिंपली इसे
टैग ले लेते हैं हम, हेडर टैग। हमने उसको से नाम दे दिया, इसका नाम ले लेते हैं हेडिंग वन। हेडिंग वन कर दे सकते हैं, बस हेडिंग वन लिखा सिंपली, कुछ चेक करने के लिए दिखा रहा हूँ। ये देखें, अभी ये हमारा हेडर टैग इन जो टॉप पे आएगा आपको, ये हेडिंग वन आ गई। अभी आप देखेंगे कि ये देखें, हमने बैकग्राउंड रेड दिया ना, सेव करते हैं, मैंने कहा रिफ्रेश और इनफैक्ट आया। ओह सॉरी, हम देखें लिंक ही दिया, ये लिंक तो, और ये जो ए टैग होता है आप उसमें लिंक देने के लिए, उसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं जाके, जो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक दे दूँगा। अभी देखें, सॉरी गलत कर दिया हमने, इधर लिंक टैग लगाना है, यही तो मेन चीज़ होती है, यानी आप वाले टैग नहीं रखते हैं। जनरल स्टाइल शीट HREF स्टाइल डॉट CSS मुझे दे दिया इसने, सेव किया, यहाँ पे जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे। देखें आ गया इसके, सिर्फ देख सकते हैं ये, देखें इससे डॉट क्लास को है, हमने कुल डॉट क्लास को दिया, ये देख सकते हैं डॉट क्लास। डिफ टैग के अंदर हमारे सिर्फ हेलो आई एम फहद और ये पैराग्राफ फोटो सब लिखे हुए हैं, और देख सकते हैं सिर्फ इसी के बैकग्राउंड में आया, यानी पूरे बैकग्राउंड में नहीं आया। अगर हम इसको छोड़ें यहाँ पे जाके, अगर हम बैकग्राउंड कलर रेड, अगर हम इधर पर रेड नहीं लेते, कोई ये चीज़ समझ आए आपको, बैकग्राउंड से दे देते हैं पर्पल, एक करके दिखाता हूँ। देखिए ये पर्पल होगा बैकग्राउंड सारा टोटली, क्योंकि ये हमारा रेड कलर है ना, ये आपको लग रहा है चला गया, ये इसके बैकग्राउंड में छुप गया, इन इसके बैक साइड पेज से हम इसको ख़त्म करेंगे, सेव करेंगे। यहाँ पे रखकर हिस्ट्री में देखिए हमारा दोबारा आ गया। अभी मैं क्या कह रहा था, अगर हम इसके उसके पीछे से डॉट ख़त्म कर दें, सेव करें, यहाँ पे रखकर रिफ्रेश करें, देखें अभी हमारा नहीं हो रहा, क्योंकि हमने उसको क्लास दिया, क्लास को अभी डॉट लगाना पड़ता है, इंपॉर्टेंट होता है। देखिए इधर मिस्टेक, अभी ये सॉरी, अभी अब दिखाता हूँ आपको मैं। अब उसी तरह अगर मैं आपको यहाँ पे ये हेडर टैग, ये हेडर टैग है ना, अब हम इसको देंगे बैकग्राउंड पर्पल ले लेते हैं, चेक कराना ही हमने आपको। अब देखिए हेडर टैग हमने उसको क्लास नहीं दी इसको, यानी इसको हम सिर्फ हेडर टैग हेडर लिख के, अभी हमने उसको बैकग्राउंड कलर दिया, देख सकते हैं सिर्फ हेडर H1 जो हमने लिखा था हेडर टैग में जो हमारा है, सिर्फ उसी के बैकग्राउंड में देखें वाइट कलर है। आज की वीडियो में आपको यही बताया सिर्फ के सिर्फ लिंक कैसे दे सकते हैं, और आपस में CSS अप्लाई कर सकते हैं, क्लास देख के क्लास दिए बगैर। इसको एडवांस CSS मैंने भी की, सिंपल CSS मैंने बताई है, तुम स्टार्टिंग पे है, आगे जब जाएंगे तो अब मैं आपको बड़ी बड़ी वेबसाइट बनाकर दिखाऊंगा, यानी इंपॉर्टेंट। अभी आपको सिर्फ मैंने छोटी जगह दिखाई है, जिसका कागज सब कुछ बताऊँगा। तो ये देखें बिल्कुल सही इफेक्ट किया यहाँ पे, सिर्फ वो छोटा सा करके बताया, सिंपल टाइप में आपको मिसाल करके बताया। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो हमारा इतना ही, मैंने आपको आज बताया कि कैसे आप दे सकते हैं स्टाइल कर सकते हैं क्लास टैग के अंदर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, इससे जो हमारी नई वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। अगर आपको इन्हें चाहते हैं, अगर दोस्तों को भी इस तरह की वीडियोज़ मिले तो उसको शेयर कर सकते हैं, कमेंट में करता हूँ किसी वीडियो लेकर अगला टैग आपको मैं किस बारे में बताऊँ। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए खुदा।